घर पुराना है लेकिन कंडीशन अच्छी है एंथनी जी। वैसे आप क्या करते हैं? बगल वाले गांव में राइस मिल है ना, वहीं पर अकाउंटेंट हूँ। तो ये घर आपको खूब जमेगा फिर। मेरी माँ ने भी यही कहा है, ईशान की तरफ वाले घर में रहेंगे तो लड़का पैदा होगा, ऐसा कहा किसी ने। अच्छा, ये देखिए, वो क्या है ना कि मेरी दो बेटियां हैं, माँ को बेटा चाहिए। अच्छा, उनका मानना है कि लड़के के रूप में मेरे पिताजी आएंगे। ये क्या है, इस कमरे को ऐसे सील किया है? मुझे भी नहीं पता है सर, मैं एक बार पूछ कर बताता हूँ। ये हटा दो। हाँ ठीक है, ठीक है सर। चलो चलो जल्दी सामान खाली करो, आराम से आराम से। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, सारा सामान अच्छे से रखना। जी सर। हाँ हाँ, वो देखो ना, हाँ वो वाला बहुत बड़ा है। हाँ हाँ हाँ, अभी अंदर से कहाँ देखा है? अंदर से देख कर बताओ। अच्छा है बेटा, बहुत ही अच्छा घर है। हाँ माँ। वैसे इतना बड़ा घर हमारे बजट में कैसे मिल गया तुम्हें? वो तो बैंक वाले जल्दबाजी में बेच रहे हैं, हमारी किस्मत अच्छी है। वैसे हमसे पहले यहाँ कौन रहते थे? अरे मुझे क्या पता। ये सारा सामान ऊपर वाले कमरे में रख दीजिए। सुनो उधर उधर, हाँ रख दीजिए। तारा को बोला, सोफी क्या कर रही हो? तुम्हें कितनी बार समझाऊं, वो तुम्हारी बहन है, याद रखो। मैंने जानबूझकर नहीं किया मम्मा, भूल गई थी मैं। तारा, मम्मा तुम्हें अंदर बुला रही हैं। ये वाला जो सामान है वो यहाँ पर अच्छे से रख दो। तुम्हें घर पसंद आया ना? घर तो बहुत बड़ा है माँ, और बाहर खेलने की जगह भी है बहुत सारी। तुम दोनों के लिए सेपरेट रूम भी है, जाकर देख कर आओ। जाइए सर। हाँ एंथनी जी, आप बहुत किस्मत वाले हैं, इस कमरे में पुराना सामान और फर्नीचर बहुत सारा है, शायद इसीलिए बंद पड़ा होगा। अगर आपको घर का कोई रिपेयर वर्क करवाना है तो ये कर देगा सर। ठीक है, कहाँ रहते हो तुम? मेरा घर पड़ोस में ही है, कोई भी जरूरत हो तो मुझे बुला लीजिएगा, तुरंत आ जाऊंगा। सारा सामान अंदर रख दो क्या सर? ठीक है, ध्यान से रखो। चलो काम करो अपना, सारा सामान ध्यान से रखना। एंथनी जी मैं निकलता हूँ। ठीक है। उसे ध्यान से रखना, आराम से आराम से। अरे अरे क्या कर रहा है, आराम से आराम से। हाँ हाँ हाँ, वो सामान यहाँ नहीं रखना था, दूसरे कमरे में रखना था। Thank you.
Thank you.